हेलो गाइस, तो मुझे जैसा अपना प्रॉमिस पूरा करना है ट्रैवल ब्लॉगिंग का, मतलब मुझे ट्रैवल की किस तरह ब्लॉगिंग दिखानी है, तो इस समय मैं आ रखा हूँ इसे दादोपुर रिवर हेड बोल लीजिए या हेडवर्क्स बोल लीजिए, ये एक तरह का बैराज है। मैं लास्ट टाइम बैराज में आपको लेकर गया था हत्तीकुंड बैराज पौंटा साहिब, वो लोग आप ऊपर फ्लैश होगा देख सकते हैं, और अभी यहाँ पे इवनिंग बताने के लिए मैं आ रखा हूँ दादोपुर। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ पथराला बैराज, ये यमुनानगर के पास लोकेटेड है और ये एक बैराज है, इसे लोग डैम भी बोल देते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर जनरल आदमी है या जिस पर्पस के लिए मैं आता हूँ वो है यहाँ पर अपना मूड रिफ्रेश करने के लिए, क्योंकि यहाँ इस बैराज के अराउंड बहुत अच्छा सा पार्क है। और जो ये बैराज है ये लोकेटेड है सोम नदी पर, सोम नदी बोल लीजिए, सोम नहर बोल लीजिए, ये एक ट्रिब्यूटरी है जो यमुना में से निकलती है। तो मेरा पर्पस यहाँ पर सिर्फ यही है कि मैं एक अच्छी इवनिंग बिताने के लिए यहाँ पर आया करता हूँ। जहाँ मैं आपको फर्स्ट लेके जा रहा हूँ वो मेन अट्रैक्शन या मेन पार्क नहीं है, वो एक लोकेशन है जो थोड़ी एकांशी है। यहाँ पर ये गेट है जहाँ से आपको पैदल यहाँ पे जा सकते हो, कार को एंटर नहीं करने दिया जाएगा ताकि इसे थोड़ा सही से रख सके। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कच्चा रास्ता है, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और एक जंगल सा है। अगर आप दूसरी साइड देखोगे तो देखोगे कि यहाँ पर अच्छे से ट्रीज हैं और एक बहुत अच्छा सा सनसेट का व्यू आता है, और इसे देख के मुझे गोवा की याद आ जाती है, जैसे लव यू या डियर जिंदगी में जो लोकेशन थी, लव यू जिंदगी जो डियर जिंदगी का गाना उसमें लोकेशन थी, ये वैसी सी लोकेशन रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर मैं एक अच्छा सनसेट देखने के लिए आता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी वो अच्छा सनसेट दिखाऊं। यहाँ पर सारे रास्ते पथरीले ही हैं, जैसे शुरू में मैंने बताया था कि ये भी पथरीला सा रास्ता है, 5 फुट थोड़ी वॉक करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है लेकिन इतनी भी दिक्कत नहीं आएगी। मुझे नहीं पता आपकी फेवरेट चीज़ क्या है, लेकिन मुझे नदी के किनारे या नहर के किनारे बैठना बहुत पसंद है और मुझे बहुत मज़ा आता है। इनिशियली उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ते और वो किसी भी, वैसे हर सिटी के जो मेजर सिटीज़ हैं उनके आसपास आपको मिल जाएगी कोई भी नदी या नहर। अब आपको लेकर चलता हूँ मेन लोकेशन की तरफ, बैराज की तरफ। और यहाँ पर आसपास इतनी अच्छी लोकेशंस है कि आप बहुत अच्छे से यहाँ पर पिक्स क्लिक करवा सकते हैं या बहुत अच्छा फील कर सकते हैं वहाँ जाकर। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कि आप किसी छोटे शहर के पास हैं, आपको लगेगा कि कहीं आप पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत अलग सी मशीनरी के इन्होंने शोपीस बना रखे हैं, वो थोड़ी सी अच्छा लगभग एस्थेटिक्स देने के लिए या अच्छा दिखाने के लिए। और ये है बैराज, और आप देख सकते हैं पथराला बैराज जिसे बोलते हैं वो ये बैराज है, और देख सकते हैं यहाँ पर पानी का कितना शोर है, ये बहुत ही तेज़ है। अगर आप यहाँ पर एक्चुअल में मौजूद होंगे तो आप बहुत ही डरावना सा भी फील करेंगे क्योंकि पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ही बड़ा है। कैमरे पे इतना बड़ा नहीं लग रहा लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ही बड़ा है और पानी की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। इस समय पानी का कलर थोड़ा सा ब्राउन है, वो इस वजह से है क्योंकि अभी बरसात होकर हटी है, वरना अगर आप सर्दियों में आएंगे ऐसे टाइम पर आएंगे जब मानसून नहीं होता या बारिश नहीं होती तो देखेंगे कि यहाँ का पानी बहुत क्लियर और नीचे की जो ग्रीन सरफेस या डार्क सरफेस है जो रॉक बेड है वो आपको दिखता है। जिन जिन लोगों को पानी की आवाज़ सुनना पसंद है वो ज़रूर लाइक कर दें वीडियो को, क्योंकि देखो यहाँ पर कितनी अच्छी पानी की आवाज़ आ रही है और कितनी तेज़ पानी की आवाज़ आ रही है।
और ये है पार्क, एक ओपन जिम इन्होंने बना रखा है, तो आप यहाँ पर एक्सरसाइज भी इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे आएंगे तो इन लोगों की तरह मत करना, यहाँ पर ऐसी जगह पर बैठना रिस्की हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है, आप फिसल भी सकते हैं, तो आप पार्क में ही एंजॉय करें। तो आप सुन पा रहे होंगे समय कितनी आवाज आ रही है पानी की, ये उस बैराज से आ रहा है और यहाँ पर एक स्लोप है और इस किनारे एक पार्क बनाया है जो परफेक्ट आउटिंग के लिए बहुत बढ़िया है। और आई गेस आपको लग ही रहा होगा, कैमरे भी इतना बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर आओगे शॉट लोगे और ये देखोगे आप ये सारा व्यू, तो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जिन पे उन्होंने लाइट्स लगा रखी हैं और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पेड़ कितने बड़े हैं पिक्स में। आजकल जिम बंद है तो आप यहाँ आकर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, इसके लिए भी ये फ्री जिम है और यहाँ पर नदी को देखते हुए एक्सरसाइज करने का और मजा है। और ये लिटरली ही बहुत ही अच्छी लोकेशन है, देख सकते हैं आप यहाँ पर शाम हो चुकी है और यहाँ नदी के किनारे बैठ के आप एकांत से खुद से बात कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हम इतने बिजी है कि हम खुद से बात नहीं कर सकते, और ये इतनी इजीली एक्सेसिबल है कि मैं यहाँ पर बहुत आता हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत मजा आता है। और ये है पार्क जहां पर अभी हम थे, जहां से मैं आपको बैराज दिखा रहा था। और रात होते होते यहाँ के आसपास की लोकेलिटीज में भी देखिए आप लाइट्स जल जाती हैं जो बहुत सुंदर लगती है। मैं आपको सच्ची बताता हूँ, आपको लगेगा कि नहीं आप हरियाणा में हो, ऐसी लोकेशन आप बहुत एक्सोटिक लोकेशन लगती है। मुझे सही बताऊं कहीं बार तो मुझे, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं गोवा रखा हूं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, और होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। सो अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट और देखते रहिए मेरे और वीडियोस। बाय बाय। तो अब रात हो चुकी है, टाइम है चलने का। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जैसा YouTube प्रमोट करता है, अगर आप ज़्यादा लाइक करोगे, ज़्यादा कमेंट करोगे और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा चैनल भी प्रमोट होगा। और ये मेरी इतनी फेवरेट लोकेशन है कि मैं अपने बर्थडे पे भी यहाँ पर आया था रात को टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि ये मुझे लगभग, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ये लोकेशन बहुत ही अच्छी लगती है और ये इजीली अप्रोचेबल है, तो हाँ आप कभी भी या मैं कभी भी यहाँ चला जाता हूँ। और इस लोकेशन पे पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। आप यमुना नगर आए, गूगल मैप कर लीजिए। अगर गूगल मैप का यूज़ भी नहीं करना है तो सिंपली बताऊंगा, आप जगाधरी की तरफ चलिए, वहां से किससे पूछ लीजिए दादूपुर विलेज कहाँ है। दादूपुर के लिए जब आप मुड़ोगे तो किससे पूछ लीजिएगा कि बैराज कहाँ पर है, आप आसानी से यहाँ पर पहुंच जाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे पार्किंग की बहुत स्पेस है और ये ज़्यादा क्राउडेड नहीं होता और आपका कोई खास पैसा भी नहीं लगेगा। तो मैं मानता हूँ कि चीपेस्ट लोकेशन है जहाँ पर आप अच्छे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हाँ ये बहुत एक्जॉटिक लोकेशन नहीं है कि आपको लाइक बहुत मज़ा आएगा, हैपनिंग सा प्लेस है, नहीं। अगर आप पीस लवर हैं और आपको एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड अपने अपनी फैमिली के साथ कहीं भी करना चाहते हैं, एक पिकनिक छोटा करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अच्छी लोकेशन है।